20 मई 2023 को एक वेबसाइट ने एक आर्टिकल पब्लिश किया जिसमें लिखा था कि हमारे खला में एक सोलर सिस्टम है जिसमें कयामत आने वाली है, यानी कि सोलर सिस्टम में मौजूद स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने वाला है, यानी ये स्टार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि सुपरनोवा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो कई लाइट ईयर तक अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देता है, और जो स्टार अभी फटने वाला है वो कायनत के साइज के हिसाब से जमीन से इतनी ज्यादा दूर नहीं है, और वक्त के साथ साथ उसमें धमाके का प्रोसीजर तेज होता जा रहा है। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि ये स्टार कब फटेगा और इसके फटने से कितनी तबाही होगी, आज इसी के बारे में बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। जिस स्टार की मैं बात कर रहा हूँ इसके बारे में आपने पहले भी कभी सुना होगा, उसका नाम है बीटलजूस, जिसे 1936 में जॉन हर्शल ने डिस्कवर किया था। ये स्टार रात को आसमान में सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देता है। ये स्टार ओराइन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है जो जमीन से 642 लाइट ईयर दूर है। ये इसकी असल तस्वीर है जिसमें ये बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन ये हमारे सूरज से 764 गुना ज्यादा बड़ा है। हमारे सूरज का टेम्परेचर 6500 डिग्री है जबकि इस स्टार का टेम्परेचर 3500 डिग्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत बड़ा होने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर कम क्यों है। असल में सूरज से साइज में बड़ा होने की वजह से इसका मास सूरज के मास के 20% हिस्से के बराबर है। साइज के बड़ा और मास के कम होने की वजह से इसकी हीट पूरे स्टार तक नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप चार लकड़ियों को एक ही जगह पर इकट्ठा जलाएंगे और चार लकड़ियों को एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जलाएंगे तो कम एरिया वाली जगह का टेम्परेचर ज्यादा होगा और बड़े एरिया वाली जगह का टेम्परेचर कम होगा, यानी बड़े इलाके में गर्मी तकसीम हो जाएगी। ये स्टार की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब ये जानते हैं कि क्या सच में ये स्टार फटकर जमीन को तबाह करने वाला है। इस बात का आगाज होता है 2019 में जब साइंसदानों की एक टीम ने जनवरी 2019 और दिसंबर 2019 में खींची गई तस्वीरों को एक साथ रखकर ये नोट किया कि वक्त के साथ साथ किसी वजह से बीटलजूस की रोशनी कम होती जा रही है। उसके बाद जनवरी 2020 में इसकी रोशनी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से दिसंबर 2020 में इसकी रोशनी दोबारा से बढ़ने लगी, जो एक अच्छी बात है। लेकिन डरा देने वाली बात यह है कि इसकी रोशनी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले साइंसदानों को ये पता लगाना था कि आखिर इस स्टार की रोशनी में कमी क्यों आई, क्योंकि अगर इसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो हम उसे स्टडी करके ऐसी बातें जान पाएंगे जो बाद में हमारे सूरज के साथ भी होने वाली हैं। साइंसदान ये अंदाजा लगा रहे थे कि कहीं इस स्टार की रोशनी में आने वाली कमी का कनेक्शन डार्क मैटर या किसी पुर इसरार एनर्जी से तो नहीं है, लेकिन जब हबल स्पेस टेलीस्कोप से इसे देखा गया तो ये पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी रोशनी ना तो डार्क मैटर की वजह से कम हो रही थी और ना ही किसी पुर इसरार पार्टिकल की वजह से। असल में हम जिस एंगल से बीटलजूस को स्टडी करते हैं उस स्टार के उसी एरिया से फरवरी और नवंबर के दरमियान में इसके एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा अलग होकर स्पेस में चला गया था। जैसे ही वो हिस्सा ठंडा होना शुरू हुआ वो एक काले रंग के बादल में तब्दील हो गया। जिस वक्त वो बादल बीटलजूस के सामने आया तो बीटलजूस उसके पीछे छुप गया, जिसकी वजह से हमें लगा कि उसकी रोशनी कम हो रही है, यानी हमें पता चल गया कि इसकी रोशनी कम क्यों हो रही थी। लेकिन मई 2023 में इसी स्टार का ये ग्राफ बना जो ये बता रहा है कि इसकी रोशनी अपने नॉर्मल लिमिट से 142 गुना ज्यादा हो चुकी है। इस स्टार की रोशनी का एक ग्राफ पब्लिश किया गया जिसमें आप देख सकते हैं कि 2015 से
2023 तक स्टार की रोशनी में कितने उतार चढ़ाव देखे गए हैं, जिस बात का सबूत है कि इसके अंदर जरूर कुछ हो रहा है जो हमारी समझ से बाहर है। वैसे तो किसी स्टार की रोशनी में इस तरह की तब्दीलियां आने के पीछे बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन बीटलजूस जैसे स्टार में ऐसी चीजें तब भी देखी जाती हैं जब यह मुसलसल फैलने की वजह से स्टार का साइज लगातार बढ़ता जाए। इसकी स्टडी करने के बाद साइंसदानों को ये लगता था कि स्टार को फटने में 1,00,000 साल बाकी है, जिसके लिए मुख्तलिफ ग्राफ तैयार किए गए थे। लेकिन अब जिस तरह अजीब सी ग्रोथ स्टार में हो रही है, उससे ये साफ हो रहा है कि हमारा अंदाजा गलत था और इसका मटेरियल पहले से ज्यादा तेज रफ्तार से खारिज हो रहा है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि अगर आने वाले 6 महीनों से 1 साल के टाइम पीरियड में इसकी रोशनी में दिखाई जाने वाली ये ग्रोथ वापिस से स्टेबल ना हुई तो इसे हमारी सारी पेशन गोइयां गलत साबित हो जाएंगी, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि ये स्टार कुछ ही सालों में किसी भी वक्त फटकर अपने आसपास मौजूद सियारों को तबाह कर देगा, और जिस वक्त ये फटेगा तब इसकी रोशनी को हम तक आने में 642 साल लग जाएंगे, यानी हमें 642 सालों बाद इसके फटने का पता चलेगा। अब बात करते हैं कि अगर ये स्टार फटता है तो क्या इसे हमारी जमीन भी तबाह हो जाएगी। साइंसदानों की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक स्टार के धमाके का एरिया ज्यादा से ज्यादा 50 लाइट ईयर ही होता है, यानी 50 लाइट ईयर के डिस्टेंस में जो भी चीज मौजूद होती है ये धमाका उस हर चीज को खत्म कर सकता है। लेकिन हमारी जमीन इस स्टार से 642 लाइट ईयर दूर मौजूद है, जिसकी वजह से अगर ये स्टार कल को भी फट गया तो भी इसका असर हमारी जमीन पर नहीं होने वाला। लेकिन इसको फटते हुए हम जमीन से टेलीस्कोप की मदद से आसानी से देख सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये स्टार 50 लाइट ईयर के डिस्टेंस में हर चीज को खत्म कर सकता है, यानी इसके फटने के बाद खला में 50 लाइट ईयर में कयामत का मंजर होगा, और जब हमारा सूरज फटेगा तो हमारी जमीन के साथ साथ कई और सियारे और स्टार्स भी खत्म हो सकते हैं। ये थी आज की शानदार वीडियो, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारा एक न्यू चैनल है जिसका नाम अरबाज टीवी है, उस पर बहुत ही शानदार वीडियो अपलोड हो चुकी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को जल्दी से जाकर देखें, जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, और वीडियो देखने के साथ साथ उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आप शेयर करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। और स्पेस की ऐसे ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।